प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने पादप वर्गीकी मीन्स प्लांट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स पार्ट फर्स्ट का वीडियो अपन ने देखा था। आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट सिस्टमैटिक्स का पार्ट सेकंड का वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी या हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं तो प्लांट टैक्सोनॉमी जनरली प्लांट टैक्सोनॉमी या प्लांट बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस थे, परंतु प्लांट टैक्सोनॉमी का सिंथेटिक एनालिसिस या सिंथेटिक टैक्सोनॉमी, जिसको वास्तव में प्लांट क्लासिफिकेशन कहते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं, उनके फादर कैरलस लीनियस को ही कहा गया। कैरलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति देने के कारण से कैरलस लीनियस ने मैक्सिमम प्लांट्स का एट दैट टाइम, उस प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम प्लांट का नोमेनक्लेचर किया, और उन्होंने मैथमेटिकल बेस पे, न्यूमेरिकल बेस पे क्लासिफिकेशन किया, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने हेरेरिकल सिस्टम दिया। हेरेरिकल सिस्टम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिस तरह से इन्होंने दो इम्पोर्टेंट बात कही, एक तो ये कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसको कहते हैं जिसमें द्विनाम पद्धति है, दो नाम से मिलकर के एक पौधे का नाम बना रहता है। पहला नाम जीनस का होगा, दूसरा नाम स्पीसीज का होगा। जीनस और स्पीसीज दोनों को मिला करके एक नाम बनता है किसी प्लांट का, पर्टिकुलर ऑल ओवर वर्ल्ड में उस प्लांट को उसी नाम से मेंशन किया जाएगा, उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अलावा इन्होंने एक प्लांट हेरेरेकी दी। हेरेरेकी मीन्स जस्ट लाइक किंगडम प्लांट किंगडम को फिर बाद में फाइलम में डिवाइड किया, क्लास में डिवाइड किया, ऑर्डर में डिवाइड किया एंड फैमिली में डिवाइड किया। फैमिली में डिवाइड करने के बाद में इन्होंने जो टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की उसमें दो, इसका मेन ऑब्जेक्ट या उद्देश्य ये था कि सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज, जाति का निर्धारण करना इसमें मुख्य उद्देश्य था, है ना। जाति का निर्धारण में जॉन रे ने स्पीसीज कंसेप्ट दी। जाति का निर्धारण कैसे करना है, इंटर रिलेशनशिप होती है, जाति या स्पीसीज उनको बोलते हैं जो आपस में ब्रीड कर सकती हो, है ना, इंटरब्रीडेबल जो होती है उनको स्पीसीज या जाति कहा जाती है। इसका प्रॉपर डिटर्मिनेशन भी इसी से होता है। देन अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट किंग टैक्सोनॉमी, पादप जगह टैक्सोनॉमी का क्या महत्व है। पादप टैक्सोनॉमी का सिर्फ इतना सा महत्व है कि पहले तो अध्ययन और पहचान की सुविधा के लिए, स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन की सुविधा के लिए अपन इनका टैक्सोनॉमिकल डिवीजन करते हैं। इस टैक्सोनॉमिकल डिवीजन में उनके लक्षणों की समानता व असमानता के आधार पर उनको अलग अलग टैक्सा या ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अलग अलग टैक्सा और ग्रुप में डिवाइड करने के कारण वो उनको अच्छी तरह से समझा जाता है, उनका अरेंजमेंट अच्छी तरह से हो सकता है और उनका आइडेंटिफिकेशन भी अच्छी तरह से हो जाता है, और उनसे रिलेटेड सारी वेल नॉमर्स इन्फॉर्मेशंस को हम नॉलेज कर सकते हैं, और उनकी फाइलोजेनिक स्टडी भी कर सकते हैं। फाइलोजेनिक स्टडी आई मीन टू से देयर एंसेस्ट्रल एंड ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ देयर एंसेस्टर एंड ओरिजिन, मीन्स उनकी कैसे उत्पत्ति हुई है, किन प्लांट से उनका बना है, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, और उनके इसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन को भी इंडिकेट किया जाता है। इनके डिस्ट्रीब्यूशंस को भी इसके अलावा इंडिकेट किया जाएगा, है ना। फिर देखते हैं टैक्सोनॉमिक कंपाउंड। टैक्सोनॉमिक कंपोनेंट में मुख्य चीज़ें क्या क्या होती है। टैक्सोनॉमिकल कंपोनेंट जो सबसे मेन या मेजर रोल होता है वो होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में प्लांट्स का अरेंजमेंट करना डिफरेंट ग्रुप में ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ देयर करेक्टर, द ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज ए टैक्सा एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट इज आल्सो ए मेन करेक्टर, मेन इंपॉर्टेंस करेक्टर, मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट किंग। मीन्स टैक्सोनॉमी चार चीज से बनी रहती है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड
डेस्क्रिप्शन नोमेनक्लेचर में वही है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम से इनका नोमेनक्लेचर हो, और डेस्क्रिप्शन में इनके टैक्सोन का डेस्क्रिप्शन, इनके हर्बेरियम सीट का डेस्क्रिप्शन, इन सभी डेस्क्रिप्शन। हर्बेरियम सीट के लिए भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि हर्बेरियम सीट की निश्चित साइट होती है 11.5 to 17.5 inch होती है, जो लंबाई और चौड़ाई निर्धारित रहती है, हैंडमेड पेपर पे बनी रहती है। टैक्सोनॉमिक सिस्टम की अगर अपन बात करें तो टैक्सोनॉमिक सिस्टम प्लांट किंगडम से शुरू होता है, एनिमल किंगडम से शुरू होता है। प्लांट में इट इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन, बट एनिमल में इट इज डिवाइडेड इनटू फाइलम। फर्दर डिवीजन इन द प्लांट किंगडम सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन द क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। दिस इज